नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईक्यू क्रैकर में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, जो कि है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए, जो कि एंट्रेंस एग्जाम इस साल दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उन्हें कुछ खास नॉलेज नहीं होगा इसके बारे में। तो मैं उन्हीं को जो है कुछ टिप्स देना चाहूँगा। तो दोस्तों, मैं जो आपको टिप्स देने वाला हूँ, जो भी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो सचमुच फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप 99% जो है आपका सिलेक्शन एंट्रेंस एग्ज़ाम, डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम में 100% तो नहीं कहूँगा, 100% कुछ भी नहीं होता है, 99% आपका सिलेक्शन मेरी तरफ से गारंटीड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ये कई बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं इसको। तो हमें ना इसे सीरियसली लेना है, ना इसे लाइटली लेना है, हमें जो है स्मार्टली स्टडी करना है, हमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है। हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। तो स्मार्ट वर्क किस तरह से करना है, वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आप जब काउंसलिंग में गए तो वहाँ आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से आप जो है वहाँ पर एडमिशन नहीं करा पाए, पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा सैड न्यूज़ हो जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, जो भी आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल या फिर इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, OBC हेल्थ केयर सर्टिफिकेट, सब कुछ जो होते हैं वो अच्छी तरह से आप रेडी करके रखें, ताकि आपको काउंसलिंग में जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाए। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है कि वो लोग काउंसलिंग में जाकर भी उन्हें कोई भी सीट्स नहीं मिल पाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ देयर अवेयरनेस अबाउट देयर सर्टिफिकेट्स। तो हमें जो है सर्टिफिकेट्स को पहले अच्छी तरह से तैयार करके रखने हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं कि हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है। तो हमारा जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इसमें मेनली हमें तीन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आता है मैथ्स, फिर आता है फिजिक्स, और तीसरा आता है केमिस्ट्री। तो इसी हिसाब से आपको जो है सभी तीनों सब्जेक्ट से 50-50 करके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 150 मिनट्स मिलेंगे। ओके, यहाँ तक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो अब जो है हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। हम लोग का जब भी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम आता है, तो हम लोग देखते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, 3000 देकर पूरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्लीट कर ले, निकाल ले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं, घंटा कुछ भी नहीं होगा इन सब चीज़ों से। इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी मानिए। आप जो है 10th का जो भी सिलेबस है उसी को कवर कीजिए, 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आपने अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जैसा प्रिपरेशन किया था ना 10th में, वैसा ही आप एक बार फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही सिर्फ रोन के एकदम पढ़ लीजिए। सारे जो भी मेन टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, 9, 10th है, वो सभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ताकि जो है आप वहाँ पर सारे बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस को भी समझ पाएँ, उनका आंसर दे पाएँ। और जहाँ तक बात है मैथ्स की, तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप मैथ्स में एक एवरेज स्टूडेंट भी थे 10th में, तो आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में भी। लेकिन आपको मैथ्स को पहले टच नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है। आपको सबसे पहले टच करना है केमिस्ट्री को, फिर आप कीजिए फिजिक्स, उसके बाद आइए आप मैथ्स में। तो आपका जो है 150 क्वेश्चंस होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस। 150 में अगर आप 50 क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन मिलना पक्का ही हो जाएगा। अगर आपने 50 मार्क्स भी ले आया, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल ही जाएगा। बात करें अगर हमारे झारखंड की, तो हमारे झारखंड में कुल लगभग 11,000 सीट्स होते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के, जिसमें से लगभग 1800 सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के होते हैं। तो इसलिए जो है काफ़ी सारे सीट्स हैं। तो आप अगर 50 मार्क्स भी ले आते हैं, तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का 50 मार्क्स भी जो होता है वो लगभग 1800 के अंदर में आ जाता है। तो इसलिए हमारा रैंक जो है 1800 के अंदर आ जाएगा, तो आपको जो है गवर्नमेंट में ऑब्वियसली मिलना ही है। मैंने कईयों को देखा है जो 30 मार्क्स भी लाते हैं, तो उन्हें अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, जो मिथ फैला हुआ है, वो जो अफवाहें फैली हुई है इस एग्ज़ाम के बारे में, वो इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग सुनते हैं कि ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वैसे आते हैं, हम नहीं बना पाएंगे, ट्यूशंस करना ज़रूरी है, घंटा ट्यूशंस में कुछ भी नहीं होता,
आपको जो भी करना है वो सारे मैट्रिक्स के सिलेबस से होते हैं, सारे बेसिक्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने रहेंगे अच्छी तरह से। सारे एनसीईआरटी बुक्स को जो है 10th का आप कवर कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा, जब भी कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, मान लेते हैं कि आपको कोई रेस में ही जाना है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ जाकर आपको दौड़ना पड़ता है। तो दौड़ने के लिए क्या आप एकदम से जाएंगे वहाँ रेस में दौड़ेंगे फर्स्ट आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता, आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, राइट। तो उसी तरह से जो है इसमें भी आपको प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो हम लोग सभी जानते हैं, सभी कोई प्रिपरेशन भी करते हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली प्रिपेयर करेंगे। आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर्स के कुछ सेट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस आप जो है पीडीएफ में डाउनलोड कर लें और मैं आपको वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप क्या कीजिए, आप मार्केट से कुछ ओएमआर शीट्स ले आइए, जो कि ओएमआर शीट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड, जिसमें हम लोग ऑप्शंस को टिक करते हैं, उसी तरह के ओएमआर शीट्स लाइए और आप उन सभी क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व करके ओएमआर में जो है एक बार भरिए। पहले आप सॉल्व कर करके ही देख के अपना टाइम लेके भरिए और उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, एनालाइज कीजिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से आ रहे हैं, किस तरह के, किस लेवल के, किस बेसिक्स के आ रहे हैं, और उसी हिसाब से दोस्तों आप अपने तैयारी में लग जाइए। आप सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरी तरह से निचोड़ के एकदम खा जाइए, इतना कि एक भी बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस आपके जो है मिस नहीं होने चाहिए। ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए, आप जब 10th का एग्ज़ाम आपका सामने था तब उस समय आपने कितना ज़ोर लगाया होगा पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल वैसा ही एक बार और ज़ोर लगाना है, एक बार और सारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। इस बार सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन्हीं को आप बस पूरी तरह से रोन डालिए पढ़ के, एक महीना पूरा आपके पास टाइम है, तो इस एक महीने में आप जो है पूरी तरह से एक एक सिंगल लाइन को जो है अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और वही सब जो है आपका काम आने वाला है इस एग्ज़ाम में। मैथ्स के लिए आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर जितना मैथ्स आपको मैं बता रहा हूँ अभी आप सॉल्व कर पाएंगे ना, आप 10,000 रुपये का ट्यूशन करने के बाद भी वहाँ पर उतना ही मैथ सॉल्व कर पाएंगे जितना कि आपका अभी कैपेबिलिटी है, मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक और स्टडी टिप्स देना चाहूँगा कि आप जो है ना सिंगल अपना पढ़ाई ना करें, अकेले बैठ कर कहीं पढ़ाई ना करें, इससे हमारा जो है दिमाग माइंड जो है यहाँ वहाँ भटकते रहता है, हमारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग थॉट्स आने की वजह से वो हम लोग कैचअप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ एक ग्रुप बनाकर ग्रुप स्टडी कीजिए, क्योंकि ग्रुप स्टडी करने से ना हमें 10 गुना ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं, सभी लोग अलग अलग पॉइंट्स उठाते हैं और सभी लोग जो है एक ही चीज़ पर एक्टिव रहते हैं, उस टाइम हमारा माइंड यहाँ वहाँ नहीं जाता है, इसलिए हमारा जो है माइंड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को कैप्चर कर पाता है। तो ग्रुप स्टडी जो है इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट होगा, तो आप ग्रुप स्टडी ज़रूर कीजिएगा। और सबसे आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है नेगेटिव मार्किंग की। इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग लिया जाता है, 4 क्वेश्चंस अगर गलत होंगे तो 1 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 25% मार्क्स ईच क्वेश्चंस में काटे जाते हैं। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जब आप दो आंसर्स के बीच कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में आप जो है अच्छी तरह से एनालाइज करके देखें जब आपके पास टाइम बचे। और मैं आपको ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दें, आप उसे अटेंड करें, क्योंकि उस टाइम हमारे पास एक लाइफ लाइन होता है डबल डिप का, तो हमें उसका फ़ायदा भी उठाना है। और हमारा अगर एक क्वेश्चन अगर किसी तरह से टुपका लगा है गलत हो भी गया तो क्या हो जाएगा, 0.25 मार्क्स ही जाएंगे ना, और अगर सही हो गया तो क्या आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है मिल जाएंगे, ये भी आप सोचिए। तो आपको जो है अपना दिमाग लगा के वहाँ पर एग्ज़ाम देना है, ना कि ज़्यादा हार्डवर्क करके दिन रात लगे रहना है, आपको एकदम कूल माइंडेड होके आराम से पढ़ना है, फ्रेश माइंड होके एकदम सुबह सुबह पढ़ना है। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग कर सकते हैं, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपका दिमाग भी एकदम फ्रेश रहेगा। दोस्तों जितना एक फ्रेश माइंडेड दिमाग नॉलेज को कैप्चर कर सकता है ना, उतना एक टेंशन दिमाग नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता है। आप जितना 1 घंटे में पढ़ सकते हैं ना फ्रेश माइंडेड होके, उतना आप 10 घंटे में भी नहीं पढ़ सकते हैं अगर आपका दिमाग टेंशन से भरा हुआ हो तो। और आखिर में जो है आपको सिर्फ एक चीज़ करना है जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है रिविज़न। और वो भी किस तरह से, इसका भी एक टेक्निक होता है। आप जितना भी पढ़ रहे हैं सबका जो है एक तरह से नोट्स बनाइए, बिना देखे बनाइएगा सबका अच्छी तरह से, एक छोटा छोटा नोट्स बनाइएगा जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम कभी भी उसे देखे, ऊपर ऊपर ही देखे तो आपको सारा समझ में आ जाए। क्योंकि जब भी हमारा कोई चीज़ दिमाग में होता है तो हम उसे पेपर में ले आते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी इनविंसिबल हो जाती है, उसे मिटा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम लोग कोशिश करके भी उसे भूल नहीं पाएंगे। तो ये जो है टिप काफ़ी ज़्यादा तगड़ी टिप है, इसे आप हमेशा याद रखें।
और जो है हर संडे को अपना नोट्स को एक बार ज़रूर प्रिपेयर करे, सारे रिव्यू कर ले, सबको देख ले अच्छी तरह से, और संडे के दिन ज़्यादा पढ़ाई ना करें, आराम से एकदम कूल माइंडेड होके रहें, सारे नोट्स को एक बार बस रिवाइज कर लें। यही आपको करना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अगर आपने ये सब कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ 99% आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ही लेंगे। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा वीडियो जो आपको सही ट्रैक पे ला सकता है, आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि आपको ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी कैसे है। आपको कोई ट्यूशंस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ट्यूशंस ओनली वेस्ट ऑफ मनी होते हैं। आपको ट्यूशन से ज़्यादा ग्रुप स्टडी में फ़ायदा होगा। आप अपने सारे दोस्तों को कंबाइन करके एक ग्रुप स्टडी कीजिए, आप एक कोई भी रूम ले लीजिए ट्यूशंस के पैसे से, कुछ एक भाड़ा में रूम ले लीजिए या फिर घर का ही एक रूम ले लीजिए जहाँ पर आप सभी लोग आके एक साथ ग्रुप स्टडी कर सकें। तो इसे करने से आपका जो है ट्यूशन से मैं कह सकता हूँ 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ट्यूशन में तो फ़ायदा कम लॉस ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ हमें टॉपिक से बाहर हट के पढ़ाया जाता है। वहाँ पे जो है टीचर लोग अपने नॉलेज के भंडार को बच्चों के माथे में लाद देते हैं, जो कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो सभी ट्रिक्स हमें चाहिए ही नहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। हमें जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करना है, क्योंकि जो मैथ्स का सिलेबस है ना, वो अकेले फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के सिलेबस से ज़्यादा होता है। और दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी तरह से सब 100 में से 90 क्वेश्चंस को भी टच कर लें और मैथ्स का सिर्फ 20 क्वेश्चन भी अटेंड कर लेना, तो मैं आपको बता सकता हूँ आप टॉप 10 में आएंगे इस एग्ज़ाम में, आप टॉप 10 रैंक में आएंगे। और अगर आप अपना करेंट एबिलिटी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक से जो है वो क्वेश्चंस को पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर आप करेंटली उन 150 क्वेश्चंस में से 75 क्वेश्चंस को भी अगर करेक्ट अटेंड कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपका ये एग्ज़ाम में क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही मेरी तरफ से गारंटीड है, आप क्लियर कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा इस क्वेश्चंस को अपने तरीके से कैसे सॉल्व करना है। और या फिर आप चाहे तो दूसरे YouTube चैनल्स में इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, उन लोगों ने पहले ही इन क्वेश्चंस को कवर अप कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन सभी के रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेटरल एंट्री और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के वीडियोस मैं अभी डालने वाला हूं, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी मालूम पड़ सके कि डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करनी है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो